इस गर्मी में बनाइए मैंगो शेक एकदम आसान तरीके से घर पे। तो रेसिपी जरूर देखे, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मैंगो शेक बनाने के लिए सबसे पहले हम आम को छील लेंगे, इसके छिलके हटा लेंगे। तो आप ऐसे सारे आम के छिलके हटा लें। और साथ ही इसको जिसमें शेक बनाएंगे बड़ा सा जार में डालते जाएंगे काट के। इसमें देखिए पल्प बहुत ज्यादा है, इसके शेक अच्छे बनेंगे। और ये ऐसे ही सारे आम के छिलके हटा के और काट के सारे हम इसमें डाल लेंगे। देखिए, और ये भी डाल लिया। ऐसे ही सारे हम मैंगो के पल्प निकाल के इसमें डाल लेंगे और गुठलियां हटा देंगे। और आम के सारे पल्प हमने निकाल के डाल लिया है जार में, तो इसमें डाल लेंगे अब हम चीनी। आम मीठे होते हैं तो ज्यादा चीनी नहीं डालेंगे, 3 चम्मच छोटी चम्मच से चीनी। और इसमें डालेंगे आइस क्यूब, दूध, और उसके बाद इसको अच्छे से बंद कर लेंगे हम। और इसमें लगा लें मिक्सी में और इसका चला ले आराम से, चला चला के इसको अच्छे से शेक बना लेंगे हम। एक साथ ना चलाएं, रुक रुक के थोड़ी देर में चलाएं। और ये लीजिए हमारा मैंगो शेक बनके तैयार है। अब इसको आइए ग्लास में निकाल लेते हैं। और इसको हम ग्लास में निकाल लेंगे। और यहाँ गार्निश के लिए मैंने बादाम लिए हैं, पिस्ते और काजू। और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे आइसक्रीम। और उसके बाद से ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। थोड़ा और डाल लेंगे हम इसमें। और अच्छे से आइसक्रीम डाल लेंगे, उसके बाद से डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स। आप चाहें तो टूटी फूटी भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी अच्छा लगता है। और ये लीजिए, देखिए मैंगो शेक बनके हमारा तैयार है। कितना अच्छा दिख रहा है ना, कहीं उससे ज्यादा टेस्टी बना है मैंगो शेक। तो इस गर्मी में जरूर बनाइए और फैमिली के साथ एंजॉय करिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।